हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सबका रॉयल आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां 20 अक्टूबर 2021 के द हिंदू के इस एडिशन को हम और आप डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूज आर्टिकल्स कॉम्पिटिटिव व्यू से अपने लिए इम्पोर्टेंट होगा, हम डेप्थ एनालिसिस करेंगे उसे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल्स को उससे दूर रहना है, ये आपको मैं पोलाइट सलाह देता हूँ। आपका टाइम बचेगा, आपका माइंड डेवलप होगा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल में कभी भी अपना माइंड नहीं खपाना है, वो हरास करेगा आपको। सो आज का फर्स्ट आर्टिकल है उत्तराखंड रेन टॉल टच 47। उत्तराखंड रेन इस साल फिर से 2013 का याद दिला रहा है। 2013 जून का महीना था, दोपहर का टाइम था। अचानक से क्लाउड ब्रस्ट होता है और एक लेक था, उसके उसका जो वाटर है वो एक्सप्लॉइट कर जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। और इस तरीके से आज जितने भी लेक थे सबका वाटर लेवल लगभग इस क्लाउड ब्रस्ट के कारण एक तरीके से लेक से बाहर निकल करके फ्लड के फॉर्म में, फ्लैश फ्लड के फॉर्म में पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। एक ट्रेजेडी है वो। उससे पहले 2004 वाले सुनामी को, जो तमिलनाडु वगैरह, केरला वगैरह इन सब में आया था, उसे याद किया जाता है ट्रेजेडी के तौर पे, नेचुरल ट्रेजेडी के तौर पे। तो ये डेट कभी कभी पेपर में मिल जाएंगे आपको, सुनामी 2004 में आया, उत्तराखंड फ्लड 2013 में आया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था 2013 वाले में। अभी जो फ्लड आया है इसका रीजन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, केरला में भी फ्लड आया हुआ है, दैट्स व्हाई मैं डिफरेंट कह रहा हूँ। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में फ्लड के डिफरेंट रीजन हैं, और वो रीजन बींग अ स्टूडेंट, बींग ए कंपटीटर, हमें मालूम होना चाहिए। एक बार इस न्यूज आर्टिकल पे नजर डालते हैं, अगर कुछ इसमें अपने काम का है तो। जहां तक आप देख सकते हैं, इसमें केवल डिस्कशन किया गया है कि वहां के सीएम क्या कह रहे हैं, डीआईजी क्या कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टी क्या कह रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि फ्लड का रीजन क्या है। उत्तराखंड में फ्लड और उससे होने वाले नुकसान के वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, बट मेन कारण ये है कि फ्लैश फ्लड ऐसे इलाके में जब कभी होता है, जब कभी हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो मड स्लाइडिंग, रॉक स्लाइडिंग, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सारी की सारी रिवर लगभग उत्तराखंड से होकर के निकलती हैं, तो उनमें जब वाटर लेवल बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली है कि वो उत्तराखंड में स्पिल करेगा। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। फिलहाल इस आर्टिकल से आप ये याद रखें कि इससे पहले 2013 में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है उत्तराखंड में, और 2004 में सुनामी के कारण तमिलनाडु के तट पे, जो अपना ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है दोनों पे लगभग थोड़ा थोड़ा। सेंटर का कहना है कि मेनी पीपल येट टू गेट सेकेंड डोज। आप सबको पता है कि दो डोज एटलीस्ट चाहिए स्पुतनिक को छोड़ दिया जाए तो, चाहे आप कोवैक्सीन ले रहे हो या कोविशील्ड ले रहे हो, और एक डिफरेंट गैप होता है। मैं आपको बताऊं कि ये गैप क्यों होता है, लगातार ही दोनों डोज क्यों नहीं दे दिए जाते, या सुबह शाम करके क्यों नहीं दे दिए जाते जैसे मेडिसिन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है कि जो इम्यूनो सिस्टम डेवलप होता है वैक्सीनेशन के बाद, उसका एक सर्टेन टाइम होता है, वो रिप्लिकेट करने में, आपके अंदर जो वैक्सीन डाले जाते हैं उनके पैथोजेंस रिप्लिकेट करने में एक सर्टेन टाइम लेता है। उस टाइम के हिसाब से गैप फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग गैप फिक्स कर देगी। अगर अभी 2021 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक नजर डाला जाए इंडिया में कि कहां पर कितना परसेंट वैक्सीनेशन हो गया है, तो आप बहुत आसानी से इस मैप पे स्टडी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा गुजरात में हुआ है, रीजन चाहे जो भी रहा हो। उसके बाद दिल्ली में है, नंबर थर्ड पर केरला में है, सबसे कम अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है। अनडाउटली ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। सो ये है अभी रेशियो।
मैक्सिमम अभी गुजरात में हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनेगा क्योंकि डाटा डेली चेंज हो रहे हैं, है ना, और मंथली तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली चेंज हो जाएंगे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्मी का कहना है कि चाइनीज पेट्रोलिंग स्लाइटली अप इन ईस्ट, ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश में, जहां से एलएसी होकर गुजरती है, और एलएसी से आपको याद आया होगा जवाहरलाल नेहरू 1959 जब चाइनीज प्रीमियर ने फर्स्ट टाइम एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का कंसेप्ट दिया था, और 1962 के बाद एक्चुअली ये ड्रॉ किया गया था जब 1962 का वार हुआ था, उसके बाद एलएसी को ड्रॉ किया गया था, यहां से चाइना का, यहां से इंडिया का। ये अरुणाचल प्रदेश में, कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश को घेरे हुए है, इनसाइड इंडिया नहीं, जो तिब्बत वाला पार्ट है वहां से सेपरेट करता है। दो और जगह है, लद्दाख एंड हिमाचल एंड उत्तराखंड का कुछ पोर्शन है जहां से एलएसी क्रॉस करती है। नेक्स्ट देखते हैं, किलिंग स्पार्क्स माइग्रेंट फ्लाइट फ्रॉम जे एंड के। जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक नए नीचता पे उतरे हैं वो लोग, और माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्या माइग्रेंट को सेफ्टी देने के लिए कोई एक्ट है कंट्री में? हाँ जी है, कंट्री में एक्ट बिल्कुल है, और इस एक्ट का नाम है इनर स्टेट माइग्रेशन एक्ट 1979 में एक एक्ट आया था, 1969 में पार्लियामेंट लेकर आई है। इस एक्ट में वो सारे प्रोविजन है जो माइग्रेंट्स को, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उन्हें सिक्योरिटी, उन्हें जॉब, उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाती है। 2011 में इस एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था जो नहीं हो पाया अब तक, इसमें जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई थी। जनरली लेबर लॉज में क्या होता है कि वहां पे मेन शब्द यूज किया जाता है, तो अब जो इम्पावर्ड वुमेन है इनका कहना है, या जो वुमेन एसोसिएशन के से जुड़े हुए लोग होते हैं उनका कहना है कि ये तो जेंडर डिस्पैरिटी है, लेबर कोड में आप मेन यूज कर रहे हैं, हर जगह मेन यूज कर रहे हैं, तो वुमेन कहाँ है? तो अब मेन और वुमेन की जगह या तो ह्यूमन यूज किया जाता है या दोनों टर्म को फिर यूज करना होता है। तो 2011 में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था। फिलहाल अगर आपको इतना भी याद रहे कि इनर स्टेट माइग्रेशन एक्ट 1979 एक एक्ट है जो लेबर के इनर स्टेट माइग्रेशन को मॉनिटर करता है, क्वेश्चंस मैट्रिक्स मैच में आ सकते हैं मैच करने के लिए कि ये एक्ट कब आया था, ये एक्ट कब आया था, मनरेगा भी डाल देगा जो 2005 है, आप सबको पता होगा। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन फूड रिकॉल लिंक्ड टू जीएम राइस फ्रॉम इंडिया। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इंडिया जीएम राइस, जेनेटिकली मोडिफाइड राइस एक्सपोर्ट कर रही है, जबकि गवर्नमेंट का कहना है, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि नो जीएम राइस ग्रोन इन इंडिया, हम तो उपजाते ही नहीं है तो ग्रो कहां से करेंगे। देखते हैं मसला क्या था। व्हेन कैंडिगेंट मार्स रिगले कैरिड आउट अ मास रिकॉल ऑफ सेवरल बैच ऑफ इट्स क्रिस्पी एंड एमएनएम अक्रॉस यूरोप दिस अगस्त, इट वाज ड्यू टू द यूज ऑफ वन इनग्रेडिएंट राइस फ्लोर विद जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेमिनेशन दैट एलिजली ओरिजिनेटेड इन इंडिया। एक वहां पे मील कह लीजिए आप, राइस मील कह लीजिए, तो अगस्त में एक हादसा हुआ था जिसमें जो राइस वहां पे यूज किया जाता है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, यूज करने के लिए जो वहां लाया गया था उसमें कुछ कंटेमिनेशन मिले थे, और जब चेक किया गया तो मालूम हुआ ये राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है, और ऐसा नोटिफिकेशन यूरोपियन कमीशन ने अपने अलर्ट सिस्टम में भी डाल दिया।
आपको पता है यूरोपियन यूनियन दो तीन लेवल पे काम करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट होता है वहां पे, यूरोपियन कमीशन होता है वहां पे, ये सारी चीजें होती हैं। तो यूरोपियन कमीशन ने एलिज किया कि ये इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। However, the Commerce Ministry pointed out that GM rice is not grown commercially in India, let alone exported. इन्होंने कहा है कि हम तो यहाँ पे ग्रो ही नहीं करते तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। आपके लिए पहला पॉइंट ये है कि इंडिया में GM क्रॉप अभी नहीं है, GM राइस क्रॉप अभी प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। कॉटन है, बाकी चीजों पे या तो मामला अटका हुआ है या अभी ट्रायल फील्ड में है, राइस का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ऑथोरिटी गवर्नमेंट का कहना, इसे ऑथेंटिक स्टेटमेंट और कहां से मिलेगा। लेट एलोन एक्सपोर्टेड एंड प्रोमिस्ड थ्रू थॉरो इंक्वायरी बाय इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑथोरिटी द मिनिस्ट्री एलिज दैट द केस वाज ए फ्यूटाइल कंस्पिरेसी टू मैलिन द इमेज ऑफ इंडिया एज रिलायबल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अपने मंत्री साहब का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है कि चूंकि इंडिया फूड ग्रेन का लार्ज एक्सपोर्टर है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का, तो उन्हीं में से किसी ऐसे ग्रुप का जो और भी एक्सपोर्टर है यूरोपियन यूनियन के लिए, उनका एक कॉन्सपिरेसी है कि मेंबर कंट्री को उन्होंने कुछ ऐसा लालच दिया होगा जिसकी वजह से इंडिया पे ये आरोप लग रहा है। आपको याद होगा अल्फांसो का केस, यूएसए ने मना कर दिया था अल्फांसो लेने से, और जस्ट एक र्यूमर के कारण। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। यहाँ एक डाटा दिया हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में राइस एक्सपोर्ट किसे करता है, सबसे ज्यादा वो नीदरलैंड को करता है। सबसे कम तो नहीं कहा जा सकता, इससे भी कम होगा, बट इस लिस्ट के हिसाब से जर्मनी, जो इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है आजकल, फिफ्थ पोजीशन पे आता है। नीदरलैंड, बहुत ज्यादा राइस एक्सपोर्ट किया जाता है वहां पे। आप देख सकते हैं लगभग 600 करोड़ का राइस, हम 600 करोड़ का राइस नीदरलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। कैपिटल का एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रहा है, कल भी हमने डिस्कस किया था, कल सफर को भी हमने डिस्कस किया था। सफर जो कि एक नेशनल मिशन है मेट्रोपॉलिटीज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, सबको पता है। देखते हैं अगले आर्टिकल को। क्रिश्चियन लीडर्स होल्ड मीटिंग आफ्टर मैन इज हेल्ड फॉर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन का मुद्दा आता किसमें है, ये आता है आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन, आरटीआर। आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन, 25 से 28 इनफैक्ट रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, और इसमें आर्टिकल 25 पर्सन को फ्री करता है कि अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग वो किसी भी रिलीजन को एम्ब्रेस कर सकता है, किसी भी रिलीजन को वो अपना सकता है, किसी भी रिलीजन को सेलिब्रेट कर सकता है। तो इसका हेडिंग ही अपने लिए काफी है कि आर्टिकल 25 का ये वायलेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इन द क्रॉस हेयर सिविलियंस एंड कश्मीरी हारमोनी, फिर से वही इनर स्टेट माइग्रेशन एक्ट 1979 का रेफरेंस, जिस आज के अभी के टाइम में जिस न्यूज आर्टिकल में आएगा वही है यहां पर फिर से। मे बी यहां पर ये एक्ट डिस्कस किया गया हो, नहीं किया गया हो, इनके हो सकते हैं अपने विचार होंगे, गवर्नमेंट को कुछ सलाह दिए गए होंगे, है ना, इधर उधर की बातें की गई होंगी। लेकिन बेहतर होता कि अगर ये एक्ट, इनर स्टेट माइग्रेशन एक्ट, IMA शॉर्टली कह सकते हैं, 1979 को भी चार लाइन में ये मैडम समझा जाती, जिनका नाम है राधा कुमार, उम्मीद करता हूँ मैम होंगी।
ट्रबल इन बांग्लादेश, याद होगा वहां पे रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस शुरू हो गया था और डीपी के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे। नो एक्सक्यूज प्लीज, इंडिया अवेट्स ए फुल कास्ट हेड काउंट। कास्ट सेंसस की बात चल रही है खूब जोर शोर से, ताकि पॉलिटिकल रोटियां सेकी जा सके कि ये जाति ये नहीं हुआ, ये जाति ये नहीं हुआ। द अदर क्वाड, इंडिया मस्ट रिटेन अ स्ट्रॉन्ग टाइज विद ईरान एज इट सिक्स पार्टनरशिप विद द यूएस इजराइल यूएई ब्लॉक। ईरान के साथ नो डाउट इंडिया को अच्छे रिलेशन रखना चाहिए, ईरान एक भरोसे का कंट्री है। हालांकि ईरान और रशिया के बीच में चीजें नॉर्मल नहीं है, तो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री पे में भी इफेक्ट पड़ सकता है रिलेशन में, बट जहां तक हो सके ईरान के साथ हमें पार्टनरशिप और बेहतर बनाना चाहिए। यहां पर इस एडिटोरियल में यूएस इजराइल, आपको याद होगा अब्राहम अकॉर्ड के तहत पिछले साल यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने यूनाइटेड अरब एमिरेट को बोला कि इजराइल आओ। इजराइल गया, इजराइल के साथ दोनों का हाथ मिलवाया, हैंडशेक हुआ इजराइल और यूएई का। पहला अरबियन कंट्री है हाल के वर्षों में यूएई, जिसने एग्रीमेंट साइन किए, एमओयू साइन किए, पार्टनरशिप के लिए एमओयू साइन किया। इंडिया का कहना है कि इंडिया भी इस ब्लॉक में अपनी एंट्री देख सकता है, अपनी एंट्री के लिए ट्राई कर सकता है। पहले से ही दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन है, उसी को अगर हम सुधार लें तो बेहतर है। लाइक सार्क है, लाइक आपका ब्रिक्स है, बहुत सारे ऐसे हैं। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। गेटिंग टू द हार्ट ऑफ कैजुअलिटी, इकोनॉमिक नोबेल लॉरियट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इकोनॉमी के पेपर से मे भी कुछ आपको फ्रेज मिल जाएगा, कुछ ऐसे लैंग्वेज मिल जाएंगे जो आपके काम का हो। हाँ, नोबेल लॉरियट तो जरूर याद हो गया होगा इस साल का, डेविड कार्ड मेन थे जिनको अकेले आधा नोबेल प्राइज मिला, और बाकी जोशुआ एंग्रिस्ट और गिल्डो एम्बेंस को आधा आधा मिला, है ना। सो इकोनॉमी का प्राइज डेविड कार्ड तो याद रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपको आर्टिकल चाहिए मेन के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में भी गई होंगी मैडम अश्विनी देश पांडे जी, कि पहले और किसको मिल गया है, किस थ्योरी के लिए मिला है। एक ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर, कहीं ना कहीं ये दोनों जो कपल दिख रहे हैं, कपल नॉट इन दैट सेंस, यहाँ इस आर्टिकल के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, ये आईएसए की बात करने जा रहे हैं, इंडियन सोलर अलायंस, जो इंडिया ने फ्रांस के साथ लॉन्च किया था 2015 में। अभी आईएसए में नंबर ऑफ कंट्रीज 124 हो गया है, आप कहीं 60-70 में ही ना अटके हुए हो तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं, 124। पहले आईएसए का जो मापदंड था, मेजरमेंट था कंट्री को इंक्लूड करने का या नहीं करने का, वो ये था कि ट्रॉपिक के आसपास वाले सारे, लेकिन अब वो ग्लोबल हो गया है, दुनिया के किसी भी कंट्री को आईएसए में शामिल होने का राइट बनता है, वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, एक नजर डालते हैं डाटा पर। कहा गया है कि इन द पास्ट 5 ईयर द क्यूम्युलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विटनेस्ड ए 4-fold इंक्रीज टू 4.4 गीगावाट एज ऑफ मार्च 2021। नो डाउट सोलर एनर्जी का तो बढ़ा ही है, 4 गुना बढ़ा है ये जान के और अच्छा लगा। एडिंग दिस कैपेसिटी एडिशन टू इज द स्टेट्स रीजनेबली हाई इंसोलेशन लेवल एंड मैचिंग सोलर पोटेंशियल एस्टिमेटेड एट 2979 गीगावाट। 4.4 गीगावाट हमने हार्नेस किया है, जबकि 279 गीगावाट, और ये केवल तमिलनाडु की बात की जा रही है, इंडिया की नहीं। आप खुद सोच सकते हैं 4.4 गीगावाट इंडिया में होगा क्या, तमिलनाडु की बात की जा रही है, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, इनफैक्ट सबसे साउथ में पड़ता है, इंडियन स्टेट है, साउदर्न बोर्न इंडियन स्टेट है, वहां की बात की जा रही है।
तमिलनाडु का अपना सोलर पॉलिसी है 2019 का, तो अनलेस एंड अदरवाइज आप TNPSC के स्टूडेंट हैं, इस आर्टिकल में और कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये जानकर अच्छा लगा कि तमिलनाडु ने फोर फोल्ड किया है, 4.4 GW का कंट्रीब्यूशन है उसका। ISA के बारे में शायद इन्होंने डिस्कस नहीं किया है कहीं, बट ISA 2015 आपको याद होना चाहिए। अब आप कहेंगे शायद का मतलब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा नहीं है क्या? आर्टिकल पे एक नजर डालना और आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना कि उसमें है क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं एक नजर डालता हूं, जो लगता है कि ये रेफरेंस सही है अपने एग्जाम के लिए, फिर उसे डिटेल में पढ़ता हूं। अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की ना तो मुझे जरूरत है ना आपको जरूरत है। कभी भी किसी भी ऐसे आर्टिकल को ना पढ़ें जो आपको ये एहसास दिला दे कि आपने पढ़ तो लिया और मिला कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे, ओवरलुक्ड एपिडेमिक। ये एपिडेमिक की बात हो रही है जबकि हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और कई बार ये पूछा गया है कि पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर होता है, तो इस चीज का आपको भी ध्यान रहे। यूएन कल भी अर्ज कर रहा था, आज भी अर्ज कर रहा है, बांग्लादेश से कह रहा है कि अटैक को बंद करो। यूएन का काम ही है अर्ज करना, है ना, उसका जो पीसफुल फोर्स है ना तो वो पीस करवा पाता है और ना ही कहीं लड़ाई झगड़े को रुकवा पाता है, ना तो होने वाली लड़ाई को ना चल रही लड़ाई को। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, म्यांमार हो, इधर अफ्रीकन कंट्रीज हो। सो नेक्स्ट इज नीरा राडिया, एक बहुत बड़ा केस हुआ था, टेप केस नीरा राडिया, है ना, काफी ज्यादा हलचल मच गया था, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। बहुत अच्छी बात है, मैडम चमक रही हैं, इतना सारा घपला करना के बाद भी, घोटाला करने के बाद भी, पॉलिटिकल लिंक इनके बड़े अच्छे थे। एक टाइम पे नीरा राडिया केस बहुत हाईलाइट हुआ था कंट्री में। स्ट्रेटजी मीट डिस्कस चाइनीज साइबर अटैक। अटैक करने का तरीका अपने दुश्मनों पर दोस्तों के साथ मिल करके बदल गया है टाइम के साथ। साइबर अटैक भी किसी टेररिस्ट अटैक से कम जानलेवा नहीं होगा। सोचिए किसी कंट्री का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हैक कर लिया जाए, और हो सकता है कि मिसाइल वाला जो मिसाइल लॉन्च करने का कोड है साइबर अटैक से, उसे भी हैक किया जा सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो नई पॉलिस, नई डिस्कशन चल रही है हमारे मिनिस्ट्रीज की, देख सकते हैं होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं बाकी सबके साथ। इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या एक्ट हैं, और इंडिया और क्या कर रहा है इसमें। इंडिया रसिया फेस कॉमन थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। ना भाई, इंडिया तो अफगानिस्तान का रिलायबल पार्टनर था अनलेस एंड जब तक तालिबान नहीं आया था। ये रसिया की देन है ऐसा कहा जाता है तालिबान, बट एनीवे रसिया इज सच ए बिग कंट्री एंड ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो इसमें मेन आपके मेंस के लिए आर्टिकल मिल जाएगा कि इंडिया और रसिया अफगानिस्तान से इनको क्या थ्रेट है, अफगानिस्तान में क्या पोजीशन है, किसका क्या पोजीशन है। फाइट क्लब, अ डेब्ट ऑफ ₹3,000 एंड हाफ अ सेंचुरी ऑफ लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट का हर एक ऑर्डर, हर एक आर्टिकल सर आंखों पर, है ना, यही एक चीज तो है जिसपे आप उंगली नहीं उठा सकते। जैसे है बस वैसे ही पढ़ लो, जो भी कह दिया सब याद कर लो। कोई फैसला ऐसा पुराना सुना दे, नया सुना दे, सब सब याद कर लो भाई। तो इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ लो आप, कुछ पुरानी बातें की गई हैं, कोई पुराना केस है उस पर डिस्कशन किया गया है। इधर TN फिशरमैन, इनका भी कम होने का नाम नहीं लेता है। जब मन करता है श्रीलंका के बोट में जाकर के धक्का मार देते हैं, देखिए आज भी वही किया है। बोट रैम श्रीलंकन वेसल। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। PM ऑर्डर्स ड्राइव टू कट रेड टेप। ये रेड टेप होता क्या है? रेड टेप का मतलब होता है जब आप कोई काम करवाने जाते हैं, सपोज कीजिए आपको लाइसेंस चाहिए, तो आपको कम से कम 4 काउंटर पे जाना पड़ता था, है ना, एक जगह ये दिखाने के लिए कि देखो हमें चलाना आता है, आप गाड़ी चला के दिखा रहे हैं,
दूसरे जगह अपने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तीसरे जगह वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, चौथे जगह फीस दे रहे हैं, पांचवें जगह से आपको मिल रहा है, तो ये रेड टेप का एग्जाम्पल है। पीएम का कहना है कि इन चीजों को हटाया जाए तो एफिशिएंसी आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा साहब, 2 साल अभी इनका हाल ही में एक्सटेंशन फिर से बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग के भी सीईओ जो अमिताभ कांत है उनका भी एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा उनका भी एक्सटेंशन करके 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट जो है उन्हीं को बढ़ा रही है ना। आप बेचारे काम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो वो अलग चीज है। तो पीएम ऑर्डर तो कर दिए लेकिन ऐसा है क्या जिससे कि वो रेड टेप को कट करेंगे? एक तो प्रगति है जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री हर महीने या एक सर्टेन पीरियड बाद कंट्री में जितने भी डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पीएम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तभी कहा जाता है कि कंट्री दो ही लोग चला रहा, पीएम एंड डीएम। एक और है डीएआरपीजी, DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस में आता है। ये कैंपेन चलाते हैं ये रेड टेप को खत्म करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए। कभी एप्लीकेशन आप लोग भी डालिए DARPG में, हमने बहुत डाला है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन आस्क पीएम टू रोल बैक AI सेल। ट्रेड यूनियन को ये डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से, रोबोट के आ जाने से मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, लेबर को काम नहीं मिलेगा, लेकिन ये डर गलत है। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी जितने ज्यादा हैं प्रोवाइडेड हमारे लेबर्स स्किलफुल हों। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गया, ये AI एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एयर इंडिया है, एयर इंडिया की बात हो रही है ना। मुझे ये लगा, एक्चुअली लेबर लॉ में काफी इंटरेस्टेड रहता हूं मैं, तो लेबर्स की ये हमेशा डिमांड रहती है, ट्रेड यूनियन की डिमांड रहती है कि टेक्नोलॉजिकली जितना कम से कम अपग्रेड हुआ जाए ताकि मजदूरों को काम मिलता रहे। यहाँ एयर इंडिया की बात हो रही है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कहना है ये ट्रेड यूनियन वाले ठेका लेके रखते हैं, कभी झूठ मूठ का भी, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो लेबर को, बस भड़का देते हैं उन्हें। उनका कहना है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं एयर इंडिया के, उनके फ्यूचर पर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उन्होंने रोल बैक करने की मांग की। आपको याद होगा अभी एयर इंडिया टाटा को वापस मिल गया है। राजस्थान रील्स अंडर DAP फर्टिलाइजर शॉर्टेज। DAP यूरिया के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर, यूरिया जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, DAP और दूसरे अनफर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मिलती है, इनपे इंसेंटिव मिलता है, इनपे DAP पर। राजस्थान जो खुद एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर स्टेट है वहां कमी हो गई है ये बताया गया है। इंडिया इजराइल UAE एंड US लॉन्च क्वाड फोरम। ये क्वाड कितने हो गए आज तक बहुत कंफ्यूजन वाला है। एक क्वाड तो 12 मार्च 2021 को जो बिडेन, जापान के पीएम, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और इंडियन पीएम, इन चारों ने मिलकर बनाया था, अनाउंस किया था फॉर्मली। फिर एक क्वाड ये आ गया है, एक ऑकस भी बना लिया है ऑस्ट्रेलिया, US और UK ने मिलकर के, उसमें अगर एक और फ्रांस आ जाए, कोई एक कंट्री और आ जाए तो क्वाड हो गया। क्वाड का मतलब चार, क्वाड्रिलेटरल। बट एनी हाउ अब ये नए क्वाड की बात हो रही है और जयशंकर साहब का कहना है कि ये फ्रूटफुल थी, फर्स्ट मीटिंग फ्रूटफुल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, इजराइल गए हुए हैं ये, इजराइल और UAE का रिलेशन अरबियन कंट्री की तरफ से UAE फर्स्ट कंट्री है रिसेंट ईयर्स में जिसने इजराइल के साथ रिलेशन, नया रिलेशन शुरू किया है। ये आर्टिकल इतना काफी है, अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, फर्स्ट मीटिंग ही था कि इजराइल, UAE और US इंडिया के साथ मिलकर एक नया क्वाड फोरम लॉन्च करने जा रहे हैं। फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये कहना है रॉनी एडिया क्लेन का। ये है कौन? ये इजराइल की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है। तो इनका कहना है कि इंडिया के साथ अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे फोकस होगा। मेंस के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा इनके इंटरव्यू में, जरूर पढ़ लें।
राइट ट्रिपल्स व्हेन पेट्रोल हिट्स रुपीज 200 ए लीटर, बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल 200 रुपए लीटर अगर हो गया है तो बैठने वाले लोग, चलाने वाले लोग और तीन गुने हो गए हैं। अच्छा, ये आर्टिकल इसका कुछ ऐसा है कि जिस दिन पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ आसाम कहेगी कि ठीक है एक बाइक पर तीन लोग बैठ जाओ, है ना, रूल गया चूल्हा में, टू व्हीलर पर तीन लोग बैठ जाओ अगर पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाता है तो। हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल और एडिबल ऑयल, इन तीनों के प्राइस काफी बढ़े हैं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब लोग खुश हैं, सबके पास पैसा है। 250 रुपए लीटर हो गया है खाने वाला ऑयल, जो कभी 110 120 का हुआ करता था, 100 के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है लगभग सारे मेट्रोपॉलिटन में और लगभग हर स्टेट में। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, भास्करवाद टू बी एडेड टू ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ आसाम, आर्ट एंड कल्चर के हेल्प से व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट यूजेज ए लूनी सोलर सिस्टम बेस्ड ऑन मून फेजेस सोलर ईयर। आपको याद होगा ईरा और कैलेंडर हमारे कंट्री में बहुत फेमस रहे हैं, जितने भी किंग आए सबका एक दौर आया है अपना अपना, चाहे वो विक्रमादित्य का विक्रम संवत हो, कब वाला 58 BC का विक्रम संवत, या 78 AD का शक संवत हो, कनिष्क का, या 1556 का, 1556 का, अकबर का इलाही ईरा हो, या 825 का केरला का कोल्लम हो, 606 का AD का हर्षवर्धन का ईरा, हर्षा ईरा हो। ये ईरा और कैलेंडर हमेशा फेमस रहे हैं, हर किंग ने अपना कैलेंडर अपना ईरा निकाला है। तो असामियन हिस्ट्री में एक टर्म है भास्करवाड़ा, भास्करवाड़ा को ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ आसाम में शामिल किया जाएगा, ऐसा वहां के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। भास्करवाड़ा है क्या, एक ईरा है, एन ईरा काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द एसेंशन ऑफ द 7th century लोकल रूलर। यही मैं आपको बता रहा था कि ये सारे कैलेंडर ईरा रूलर से रिलेटेड होते हैं, कभी लोकल कभी ग्लोबल। Will be added to Saka and Gregorian eras, जो कि अभी इंडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट यूज करती है, आसाम के ऑफिशियल कैलेंडर में इन चीजों को यूज किया जाएगा। तो ये याद रहे, इस पे भास्करवाड़ा अभी आपको मिल गया है, पुराने बहुत सारे पड़े हुए हैं, पूछा जा सकता है। In Saikok to track SARS-CoV-19 in sewage, ये SARS-CoV-19 ही वो वायरस है जो कोविड फैलाता है। इन साइको एक कंसोर्टियम ऑफ लैब है, जितने भी लैब हैं लगभग उन सबका एक ग्रुप है, जो कोरोना वायरस के फैलने से लेकर के और खत्म करने तक, उसे कैसे खत्म किया जाए, इन सबके लिए काम करता है। सीक्वेंसिंग कोरोना वायरस वेरिएंट्स टू प्रायोरिटाइज न्यू सर्विलांस अप्रोच। इनसाइकोग इंडिया में भी अपना ब्रांच खोले हुए है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक कंसोर्टियम ऑफ लैब है इनसार्को। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नॉर्थ कोरिया फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सियोल का कहना है, साउथ कोरिया का कहना है कि मेरे बड़े भाई ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। The launch comes as the intelligence chief of the US, South Korea and Japan meet in Seoul. ये एक्चुअली कंप्लेन कर रहे हैं उससे भी बड़े भाई को, अमेरिका को। साउथ कोरिया, यूएस और जापान जब बैठे तो इनने कंप्लेन किया है, साउथ कोरिया ने यूएस और जापान से, कि नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। बाकी आपको पता ही है, फिर से नॉर्थ कोरिया पे दो चार सैंक्शन लग जाएंगे जिससे उसका कुछ नहीं होना है। अपने आप में नॉर्थ कोरिया एक वर्ल्ड है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में और कौन क्या कर रहा है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इजराइल क्लियर्स रेसिडेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इश्यूज है उसमें सबसे
बड़ा कारण है कि इजराइल के द्वारा उन फलस्तीनियों को वोटिंग राइट देने से मना कर देना जो गाजा स्ट्रिप टाइप जगह में रह रहे हैं। ये यहां मेंशन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं और यही सबसे बड़ा रीजन है। इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो जगह है बोन ऑफ कंटेंशन का, एक तो वेस्ट बैंक है, याद होगा आपको, और एक है गाजा स्ट्रिप। इन दोनों जगह पे जो लोग फलस्तीनी रह रहे हैं उन्हें रहने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं दिया गया है, सिटीजनशिप नहीं दिया गया है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। आपको डिटेल में ये मालूम हो कि इजराइल जो कुछ इस तरीके से है, डेड सी के पास एक ये रीजन जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, ये जो मैप मैं बना रहा हूं वेस्ट बैंक, और ये कि ये रीजन जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ छोटा सा फलस्तीन रह गया है बस सिमट करके, बाकी सब में ये इजराइल 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 हो गया है। तो इसका मैप इंपॉर्टेंट है, एक नजर डाल लें, देखें कि कहाँ गाजा स्ट्रिप है, कौन कौन सा कंट्री इजराइल को टच करता है, कौन फलस्तीन को करता है या कोई करता ही नहीं है, कौन से सी है, ये सारी चीजें आपको याद हो। पोलिस पीएम क्लैशेस विद ईयू चीफ ओवर सुपरमैसी ऑफ ब्लॉक्स लॉ। पोलैंड एक कंट्री है, हम सबको पता है, वहां के पीएम ने ईयू चीफ को काउंटर किया है किसी इशू को लेकर के उस पे है। यूरोपियन यूनियन के चीफ आपको पता ही होगा उर्सुला वॉन डर लियन, और पोलैंड के पीएम है, उनमें डिबेट हुआ है कुछ बात को लेकर के, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट यूरोपियन यूनियन के चीफ कौन है, यूरोपियन कमीशन क्या होता है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या होता है, और इसमें कंट्री कितने हैं। इसमें अभी 27 कंट्री रह गए हैं। टर्किश प्रेसिडेंट प्रोमिसेस विन विन पैक्ट्स विद अफ्रीका, ही स्लैम्स द बेस्ट फॉर इग्नोरिंग कॉल्स फॉर चेंज ऑन द कॉन्टिनेंट। एक नया तरकीब चला है तैयब एर्डोगन ने, नाम ही तैयब है तो तरकीब ना कैसे चलेंगे। इन्होंने टोगो, नाइजीरिया ऐसे कंट्रीज को अपना टारगेट बनाया है, इनके साथ ये बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बारे में ये आर्टिकल है। बाकी टर्की कौन से कंट्री को टच करता है, कौन से ओशियन को टच करता है, ये जरूर आप एक बार देख लें। यूनिसेफ का कहना है कि वो 10,000 चिल्ड्रेन मारे गए हैं ये यमन में। यूनिसेफ कह ही सकता है, करना तो कुछ है नहीं। यूनिसेफ बना कब था ये इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का इंडिया में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीजों को ध्यान रखें। ग्रॉस एनपीए ऑफ बैंक्स टू राइज टू 8.9% फ्रॉम 7.5। क्रिसिल, क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसी है, इसका कहना है कि एनपीए बढ़ेगा, मतलब गवर्नमेंट का जो एनपीए पॉलिसी है वो सक्सेसफुल नहीं है। रीजन एमएसएमई, जिसपे काफी फोकस है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी की, और रिटेल, ये अस्ट्रेस्ड एसेट को बढ़ाएंगे, ऐसा कहना है क्रिसिल का। क्रिसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक रिबाउंड्स टू हाईएस्ट सिंस सेकेंड वेव। सीधी सी बात है, अब कोविड का डर लोगों में धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो डोमेस्टिक वेव तो बढ़ेगा ही। स्पाइस जेट सबसे ज्यादा पैसेंजर कैरी करता है इंडिया में, ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको मे भी काम आ जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, स्पाइस जेट है द हाईएस्ट पैसेंजर लोड फैक्टर, ना केवल अभी, वो हमेशा से है। जैसे एयर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर था, नेशनल लेवल पे स्पाइस जेट है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में क्रॉस $240 बिलियन इन 2021-22। एक ऑफिसर का कहना है, शिप्स चीफ का कहना है कि सर्विस एक्सपोर्ट $240 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा 2021-22 में। बहुत अच्छी खबर है ये।
अब ये सर्विस एक्सपोर्ट में आता क्या क्या, आपको पता होगा तीन सेक्टर होते हैं मेनली, वैसे तो चार भी होते हैं, क्वार्सिनरी भी जो आता है वो भी सेक्टर है, लेकिन मेनली प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी, इनफैक्ट पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी में आ जाता है आपका क्या क्या, एग्रीकल्चर। एक माइनिंग को लेकर के हमेशा गलत ज्यादातर बुक्स में मिल जाता है, माइनिंग को सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है जबकि माइनिंग प्राइमरी सेक्टर है। हर वो काम प्राइमरी सेक्टर है जिसके लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है और जो नेचुरल इन्वायरमेंट में किया जाए। कोयला कोई भी कैरी कर सकता है, माइन कोई भी कर सकता है, उसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, फावड़ा दे दो उसको बस। जंगल से लकड़ी काट के कोई भी ला सकता है, कोई भी पर्सन खेत में जाके काम कर सकता है। तो ये तीनों प्राइमरी सेक्टर हैं। सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा सा स्किल की जरूरत पड़ती है, कोयला से बिजली हर कोई पैदा नहीं कर सकता है, फैक्ट्री हर कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हर कोई नहीं कर सकता है। वुड काट कर लाना और उससे आलमीरा बनाना हर कोई नहीं कर सकता है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है। सर्विस सेक्टर, सर्विसेस, तो यहाँ ये तीसरे वाले सेक्टर की बात हो रही है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी में। भारतीय ऑफर्स आईक्यू वीडियोज एज सर्विस टू टैप ओटीटी प्लेयर्स। हाल के दिनों में एक चीज देखा गया है कि ये करेंट में, करेंट अफेयर में इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं, वीडियो गेम से रिलेटेड, ओटीटी से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन सब शामिल होने लगे हैं, तीन चार, हर स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी भी दो चार क्वेश्चन डालने लगी है। हालांकि बहुत पहले से डाल रही है, 2016-17 से जब एआई का फर्स्ट क्वेश्चन उसने डाला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तब से चल रहा है। भारती मतलब एयरटेल, पता ही होगा आपको, और ओटीटी होता है, ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। ये जितने भी कंटेंट आप देखते हैं अमेजोन पे, हॉटस्टार पे, जो ये वीडियोज आप देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, इन्हें ओटीटी कंटेंट कहा जाता है। तो आईक्यू करके जो वीडियो है वो एयरटेल ने ऑफर किया है। स्पोर्ट्स में देखते हैं कुछ, अगर अपने काम का हो, उधर अभी T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, अपने काम का तो अनडाउटली कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ बड़ा उलट फेर होता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड बनता है, तो इस बार से चूंकि यूपीएससी ने तीन क्वेश्चन डाले थे स्पोर्ट्स से, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के आर्टिकल में, आज के न्यूज़पेपर में जो हमने डिस्कस किया यही मेन है, और कुछ ऐसा नहीं है। टाइम वेस्ट ना करें, एक बार इसे फिर से पढ़ लें, जो रेफरेंस दिया गया उस पर ध्यान दें। जैसे जब बात इजराइल की चलती है तो इजराइल का मैप आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए, ना कि इजराइल ने क्या कहा है, अभी इसे मार देंगे, उसे काट देंगे, फलस्तीन को हटा देंगे, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। चलिए कल मिलते हैं, नमस्कार।